नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपके साथ जुड़ी हूँ। एरोबिक का सेशन लेके आई हूँ दोबारा से। उम्मीद करती हूँ आप सब रेडी हो गए अपने योगा मैट्स के साथ, अपनी डिटॉक्स ड्रिंक्स के साथ, और आपने अपनी मील्स का जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का रखा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं योग आसन से और ब्रीदिंग पैटर्न से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर सेल्फ। अपनी जो स्पाइन है, बैक बोन है, उसको आप इरेक्ट रखेंगे। आप योग मुद्रा में भी बैठ सकते हैं अगर आप लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं तो। मैं इस वक्त चेयर पे हूँ। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठे, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करें। अभी पहले आप नॉर्मल ब्रीथ करें, कंसंट्रेट करें अपने ब्रीदिंग पे एंड फील करें कि आप बिल्कुल पीस में बैठे हैं। देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू। बिल्कुल रिलैक्स फील करें। गो इनसाइड यू, अपने आप को फील करें एज इफ यू आर सिटिंग इन नेचर, एज इफ नियर रिवर साइड और समवेयर इन पीस। जहां भी आपको मिलता है पीस, आप अपने आप को ध्यान अपना उधर ही केंद्रित करें, आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्रॉस करके राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करके आप ब्रीथ इन करें लेफ्ट साइड से। टेन एपिसोड करेंगे हम। इंडेक्स फिंगर से अपने ईयर्स को क्लोज करते हुए ब्राह्मी करेंगे। ध्वनि की शक्ति को हमने अब अपने अंदर फील किया है। यू फील इन योर इनर सेल्फ कि आप में कितनी स्ट्रेंथ जो है वो एड ऑन हो गई है भ्रामरी से। अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दैट इज कपाल भाति प्रक्रिया, वो फिर से करेंगे 5 टाइम। आई होप आपको याद है कि जब हमने एक्सहेल करना है तब हमने एब्डोमिन मसल की मूवमेंट को इनवर्ट करना है। तो मेरे साथ आप 10 टाइम्स करेंगे।
हमने किसी भी योग की किसी भी कोई भी हम चाहे वो एरोबिक्स का स्टेप है, चाहे कोई जिम का वर्कआउट है, चाहे योगा है, हमने 3 repetitions करने होते हैं, 10 देन 12 देन 14 18 अपने स्टेमिना के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम हर बार बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक टाइम ही करूँगी। अभी हम कपालभाति 10 टाइम करेंगे और इसके 2 times हम करते हैं, 2 reps करते हैं हम इसके। रिलैक्स रखें हैंड, जैसे भी पोजीशन में कंफर्टेबल हो आप वैसे रखें। लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे आज भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति में जिस तरह से हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन रखी थी कि हमने ब्रीद जो है एब्डोमिनल मसल्स की मूवमेंट से करनी है, लेकिन भस्त्रिका इससे बिल्कुल उलट है। ये चेस्ट ब्रीदिंग है, आपने आपको बिल्कुल जो है स्ट्रेट रखेंगे स्पाइन को और आर्म्स की पोजिशन जैसे आप कंफर्टेबल हो। वैसे भस्त्रिका 3 types की होती है, लेकिन जो है ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को बढ़ाती है, तो जो जिनकी बॉडी पहले ही जिनकी बॉडी में पित्त दोष बहुत बढ़ा हुआ है वो इसके जो है स्टेप्स कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बॉडी में गर्मी को उष्णता को बढ़ाती है। तो मैं 2 times की भस्त्रिका आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। अपने हाथ को बिल्कुल हाथों को कम्फर्टेबल पोजिशन में रख के हमने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों को फोर्सफुली करना है एंड चेस्ट ब्रीथ करता है एब्डोमिनल का, इसमें कोई रोल नहीं है एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, पहले हम ऐसे करना है कान की तरफ, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इसका जो स्टेप है जो आर्म्स के साथ हमें
एक्सहेल करना है, फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सहेल करना है, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल ही आपने बनाने हैं, जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया है, आपने आपको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, यू शुड बी इन काम पोजिशन, योर आईज शुड बी क्लोज, आपको अपने सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल पोजीशन है, कंफर्टेबल प्लेस है, वहां पे अपने आप को फील करना है एज इफ यू आर सिटिंग नियर रिवर साइड और नियर माउंटेन, जो भी आपको प्लेस पसंद है, अपने आप को फील करें दैट यू आर सिटिंग एट दैट वेरी प्लेस एंड यू आर इन पीस, अपने आप को रिलैक्स आप तभी कर पाएंगे। तो मैं भस्त्रिका एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। Thank you.
इसको हम रिपीट करेंगे. लेट अप आर्म ऐसे ही कर होना चाहिए ना, बैठ कर सकते हैं आप. वेट लॉस में या जिनके भी वेस्ट के अलाउ है, तो मैं इसको
कॉल की कर सकते हैं अगर आपको नींद का इशू है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं।
टाइप ऑफ योगासन सारे रिपीट किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुलोम विलोम, देन भ्रामरी, देन कपालभाति, देन भस्त्रिका, उसके बाद अर्ध चंद्रासन, त्रिकोण आसन एंड देन कटिचक्रासन। ये स्टेप्स आपने सीख लिए होंगे, डेली हम इनको भी रिपीट करेंगे और साथ में एक और योगासन ऐड ऑन करते जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो नीज प्रॉब्लम वालों के लिए, सर्वाइकल इश्यूज वालों के लिए और शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए जो मैंने थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इन बिटवीन शियाटिका पेन या बैक पेन वालों के लिए इन बिटवीन ये स्टेप्स करते रहे तो वो प्लीज आप करते रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल, स्टे हाइड्रेटेड इन बिटवीन। डिटॉक्स ड्रिंक आपके पास जरूर होना चाहिए। सो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जितने भी हमारे FB के व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर इनेबल करें ताकि जब भी हम लाइव हों। हमने ऋषिकुश चैनल के थ्रू बहुत सी एक्टिविटीज और स्टार्ट की हैं। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी इशू या प्रॉब्लम आ रही हो या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की तो आप प्लीज जरूर मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट सेशन जब भी ज्वाइन करें या स्टार्ट करें तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें, ध्यान रखें। जैसे मुझे व्यूअर्स ने बताया कि लेग्स मूवमेंट थोड़ी क्लियर नहीं है तो आज मैंने कोशिश की है थोड़ा हमारा सेटअप इस तरह से करने की ताकि मेरे एक एक लेग्स के मूव्स जो है वो क्लियरली नजर आ सके सबको। सो मिलते हैं कल फिर से सेम इसी टाइम पे। स्टे होम, स्टे सेफ।